हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति और स्वागत करती हूँ आपका मेरे किचन में। आप देख सकते हैं कि आज की रेसिपी हमारी क्या है। जी हाँ, छोटी वाली मछली है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम छोटी वाली मछली ली है। अब इसे हम साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए हमें राख की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर राख नहीं है तो आप चावल के आटे से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा हाथ में चावल का आटा लगाया है और मछली के बीच पार्ट से हम इसे थोड़ा सा हाथ से फोर के उसके अंदर का पार्ट निकाल लेंगे और हम इसे आगे और पीछे का भाग भी निकाल देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए हमने किस तरीके से साफ किया है। सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी की मछलियों को भी साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक एक करके सारी मछलियों को मैंने साफ कर लिया है और इसे अच्छे से धो लेंगे। 8 से 10 बार पानी से धो लेंगे। अब मछली बनाने के लिए मैं मसाला बता देती हूँ क्या है। ये मैंने लिया है 20 से 25 लहसुन और 2 चम्मच सरसों और थोड़ा सा जीरा। इन सबको हम ग्राइंडिंग जार में रख के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने गैस पे रखा है कढ़ाई। मैं इसी कढ़ाई में हमेशा मछली बनाती हूँ, इसमें चिपकता नहीं है। ये मैंने मछली में डाला है पिसा हुआ मसाला, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अब मैं कढ़ाई में डालूंगी 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। मछली हम हमेशा सरसों तेल में ही बनाते हैं, उसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इन सब मसालों को मछली के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, उसमें हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच पचफोरन। पचफोरन हमारा जब पक जाए तब हम उसमें थोड़े थोड़े करके मछलियाँ डाल देंगे। ध्यान रखिए आप सावधानी से डालेंगे। पूरी मछली को हम कढ़ाई में फैला के डालेंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल हाई रखेंगे। मछली हमेशा हम हाई फ्लेम पर पकाते हैं और 15 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। हाई फ्लेम पर ही मछली को फ्राई करना है। दूसरी तरफ से भी हम 15 मिनट तक इसे हम फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। पंद्रह मिनट हो गया है, अब हम इसे फिर से पलट देंगे। ये देखिए दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये मछली बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए आप जब भी आपका दिल चाहे आप इस मछली को बना के खा सकते हैं। सूखा ये मछली बनता है, इसमें पानी ऐड नहीं करते हैं। ये देखिए मछली हमारा कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपका है। आधे घंटे में मछली हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इस मछली को रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मछली कैसी लगी। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।